लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी पर आज लखीमपुर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पुलिस कोर्ट से आशीष की रिमांड की मांग करेगी। 3 अक्टूबर को तिकुनिया इलाके में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। आशीष ने पूछताछ के दौरान लखीमपुर में ही चल रहे दंगल में मौजूदगी का दावा किया है। रविवार को पुलिस ने दंगल स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए और घटनास्थल की जांच की। आशीष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अंकित दास की तलाश में जुटी है। घटना के वक्त थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में अंकित दास सवार था। अंकित आशीष मिश्रा का बेहद करीबी माना जाता है। लखीमपुर हिंसा पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मांग को लेकर आज मौन व्रत रखने वाली हैं। प्रियंका सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगी। इस मौन व्रत को लेकर लखनऊ के सभी पदाधिकारियों को 9 बजे तक प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचने को कहा गया है। कांग्रेस लखीमपुर कांड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता और उनके खरबपति दोस्त ही सुरक्षित हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित हैं, ना दलित और ना ही महिलाएं। देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं, वो सुरक्षित हैं और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। वाराणसी की रैली में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। सभी पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलाने वाला नहीं दिख रहा है। सरकार मंत्री और उसके बेटे को बचाने में लगी हुई है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाअघाड़ी सरकार ने आज किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। अजित पवार ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। लखीमपुर पर जारी सियासी घमासान के बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को लखीमपुर कांड से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा की गाड़ी से ही किसानों को कुचलने का आरोप है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिले मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। दूसरी FIR में किसानों को कुचलने का जिक्र नहीं किया गया है। दावा किया गया है कि किसानों के बीच मौजूद असामाजिक तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जो एक SUV में सवार थे। इस FIR में सिर्फ एक अज्ञात उपद्रवी का जिक्र है, जिस पर हत्या खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि लखीमपुर हिंसा पर सियासत करने वाले कांग्रेस नेता आखिर राजस्थान में दलित की हत्या पर चुप क्यों हैं? ना तो कांग्रेस का कोई नेता दलित परिवार से मिलने जा रहा है और ना ही कोई इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों के संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। ये एसोसिएशन अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियों का प्रमुख औद्योगिक संगठन है जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा। देश में बिजली संकट की आशंकाओं के बीच केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। उन्होंने कहा कि अगर किल्लत है तो सरकार स्वीकार करे। सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में आवाज उठ रही है कि कोयला संकट है और ये कोयला संकट बिजली संकट में तब्दील हो सकता है और इससे देश को काफी नुकसान हो सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दावा किया है कि देश में बिजली का कोई संकट नहीं है। आर के सिंह ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में बिजली संकट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जितनी बिजली की जरूरत है उतनी पैदा हो रही है। हमारे अधिकारी कोयले स्टॉक की निगरानी कर रहे हैं। आर के सिंह ने बताया कि कोयले की कोई कमी नहीं है, कोई बिजली संकट नहीं है। कुछ लोगों की ओर से बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के बिजली विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर राज्य के लोगों से बिजली की बचत करने की अपील की है। रिलीज में कहा है कि कोयले की कमी का संकट गहराता जा रहा है, लोड शेडिंग टालने के लिए कोशिश जारी है। कोयले की कमी के कारण बिजली निर्माण केंद्र के 13 यूनिट बंद हुए हैं, इसलिए सुबह 6 बजे से शाम 10 बजे के दौरान बिजली का कम इस्तेमाल करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ समन जारी किया है, साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर तलब किया गया है। दरअसल ईडी फर्टिलाइजर स्कैम से जुड़े मामले में अग्रसेन गहलोत के प्रतिष्ठानों पर सर्च ऑपरेशन कर चुकी है। ईडी ने जुलाई में अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर राजस्थान समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी। यूपी के गोरखपुर में हुई कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में दो आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और एसआई अक्षय मिश्रा को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कानपुर एसआईटी को सौंप दिया गया। शनिवार को ही एसआईटी ने आरोपियों पर 1,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। इस केस के 4 आरोपी पुलिस वाले अब भी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम की छापेमारी जारी है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस से भिड़ने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। मामला डंडारी प्रखंड के कटरमाला का है। यहां मुखिया का चुनाव था। यहां दक्षिण पंचायत में गिनती के बाद प्रत्याशी रंजू देवी को 214 मत से पहले विजयी घोषित किया गया, लेकिन रिकाउंटिंग में 2 मत से वो हार गई। इस हार के बाद उनके समर्थक हंगामा करने लगे और पुलिस से हाथापाई पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। मामला पालन विधानसभा इलाके के महावीर एनक्लेव का है। यहां बंटी नाम के शख्स को तेजी से आ रहे जल बोर्ड के टैंकर ने टक्कर मारी और कुचलते हुए निकल गया। हादसे के बाद मृतक के शव को परिजनों ने सड़क पर रखकर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि टैंकर माफियाओं पर यहां केजरीवाल सरकार कोई रोक नहीं लगा पा रही है, इसीलिए आए दिन इस तरह से मौत होती है। दिल्ली के शाहदरा में एक भाई ने अपने ही भाई को पीट पीट कर मार डाला। मामला मानसरोवर पार्क इलाके का है। जानकारी के मुताबिक शराब पीकर दोनों भाइयों ने आपस में लड़ाई की। मारपीट के बाद घर वाले घायल शख्स को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस से बचने के लिए कहानी बनाई गई कि मृतक शख्स सीढ़ियों से गिर गया था, मगर पोस्टमार्टम के बाद मामला खुल गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के सेक्टर 62 में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाइक पर सवार चेन स्नैचर्स को रुकने के लिए कहा, मगर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से छीने हुए 9 मोबाइल, 1 बाइक और तमंचा जब्त किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू में जमीन विवाद में घर में आग लगाकर 2 महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बुढ़ा गौरजी थाने के सीथल गांव में देवर ने अपनी भाभी के घर में आग लगा दी। आरोपों के मुताबिक गाड़ी में भरकर कई लोग आए और उन्होंने आग लगाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश कर रही है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 फाइनल में जगह बना ली। पहले क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत हासिल की। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बोलिंग का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 172 रन बनाए। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआती झटका जरूर लगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी के दम पर चेन्नई ने दिल्ली को मात दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआत में झटका जरूर लगा, लेकिन शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंदों में 70 रन बनाए। उत्थप्पा 44 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हुए। अंत में जब मैच थोड़ा फंसा, तब कप्तान एमएस धोनी ने आकर कमाल कर दिया। एमएस धोनी ने अपनी पारी में सिर्फ 6 गेंद खेली और 18 रन बना डाले। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 9वीं बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश किया है। चेन्नई सुपर किंग्स 2020 में 7वें नंबर पर रहकर बाहर हो गई थी। तब धोनी ने कहा था कि हमारी टीम फिर से जबरदस्त वापसी करेगी। अब एक बार फिर धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में जगह बना ली है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और हिटमैन ने शानदार बैटिंग की। टीम ने 172 रन बनाए, लेकिन चेन्नई के आगे स्कोर टिक नहीं पाया। दिल्ली को अब बुधवार को दूसरे क्वालिफायर के जरिए फाइनल तक पहुंचने का एक और मौका मिलेगा, जिसमें उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सोमवार को होने वाले एलिमिनेटर के विजेता से होगा। रूस के तातरस्तान क्षेत्र में एक प्लेन क्रैश में 16 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। विमान में 21 पैराशूट डाइवर सहित 23 लोग सवार थे। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक LET-L410 टर्बोलेट विमान पुराने इंजन की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निकली इटली की एक चैरिटी शिप भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हो गई। शिप में फंसे सभी यात्रियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हुआ। शिप में 59 लोगों में से 17 मासूम बच्चे और एक गर्भवती महिला सवार थी। शिप सीरिया, सोमालिया, सूडान और मिस्र के समुद्री यात्रा पर निकला था। इटली की राजधानी रोम में ग्रीन पास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। इटली में 15 अक्टूबर से ग्रीन पास के बिना सार्वजनिक जगहों पर जाने पर जुर्माना भरना होगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतिम दौरे पर इसराइल पहुंची। मर्केल ने सत्ता में आने के बाद 2005 से इसराइल के साथ जर्मनी के सहयोग को बढ़ाया। मर्केल के प्रयास से ही यूरोप में इसराइल का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जर्मनी बना। इराक में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। चुनाव के मद्देनजर इराक ने अपनी हवाई और जमीनी सीमाओं को बंद कर दिया। संसदीय चुनाव में 329 सीटों पर 3,449 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इराक में 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करने के बाद 6वीं बार संसदीय चुनाव हो रहा है।